पर सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। अनुपम देव ने जहाँ भगवान राम ने अयोध्या से आकर 11 साल जहाँ विंध्य क्षेत्र में गुजारे, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है ऐसी पवित्र धरती का जो आनंद है वहाँ जहाँ भगवान राम ने इसका सिलेक्शन किया होगा वो दौर याद करे तो ऐसा माना जाता है कि आज भी चित्रकूट और आसपास के वनांचल में कोई व्यक्ति भूल से जंगल में चला जाए तो भूखे नहीं मर सकता। ये परमात्मा की कृपा है। और यहाँ इस लक्ष्मण भाग के अंदर तो आपने इसकी विशेषता बताई है, चारों धाम करके आ जाए, लेकिन हमारे इस स्थान पे अगर नहीं आए तो लगता है यात्रा फलीभूत नहीं हुई, यात्रा में कुछ कमी रह गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रत्येक एक तरह से चार धाम की आपने बात कही है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जीवन के चारों चरण हमारे अपने ब्रह्मचर्य, युवा, वानप्रस्थ और संन्यास, सारे आश्रम की पूर्णता का स्थान हमारा ये लक्ष्मण भाग है जो पूरा जीवन पूरा कर देता है। मैं ऐसे स्थान पर आकर अपने आप को धन्य मानता हूँ। और सच्चे अर्थों में मंदिर की परिसर की कल्पना ये की गई, मंदिर का परिसर केवल देवस्थान का देवालय नहीं, देवस्थान का देवालय भगवान जहाँ विराजते हैं वो गर्भगृह तो बहुत छोटा सा 15x15 10x10 का छोटा सा कक्ष होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में मंदिर का मतलब ये है मंदिर में गौशाला हो, मंदिर में पाठशाला हो, मंदिर में जल का एक अच्छा केंद्र होना चाहिए, मंदिर में वनस्पति हो, पोतशाला हो, और मंदिर में वो सारी चीजों की कल्पना की गई है जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमारे देवस्थान कोई छोटे मोटे ऐसे स्थान नहीं है, बड़े से बड़े आप अपने यहाँ चिदम्बरम का मंदिर देखें, रामेश्वरम का मंदिर देखें, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर का केंद्र देखें, हमारे मंदिर के अंदर एक नगर संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सारी भावना है, सनातन धर्म की सारी आवश्यकता उसमें रहती है। और हम सबके त्योहार भी ऐसे ही है और त्योहारों को ऋतुओं के साथ जोड़ा गया। हमारी अपनी सरकार के लिए जोरदार तालियां बजाएं जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से। सरकारी भाषा में तो एक एक दिन मना करके जैसे पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून का और लगता पूरा काम हो गया। हमने कहा पर्यावरण दिवस से काम नहीं चलेगा, पर्यावरण दिवस 5 जून का, लेकिन अपने देश में तो गंगा जी के आने के बाद देश की दशा बदली है।